मैं एक एनर्जी हूँ बट एक फीमेल बॉडी में हूँ, बट सरप्राइजिंगली मैं एक मेल बॉडी को पेंट करती हूँ। बुद्धा जो आए थे वो एक मेल की एनर्जी में आए थे, बट बीइंग अ फीमेल मैं बुद्धा पेंट करती हूँ। Very excited to welcome Neetu Chajer for this exclusive interview where we are going to discuss about her beautiful paintings and how she has connected those paintings to her inner work. We are going to discuss that. So I really love and admire Neetu's beautiful painting. So I would like to ask her, Neetu ji, how did you start this journey? And jahan tak main apni journey maine kaise shuruaat ki, एक्चुअली इसकी शुरुआत तो 2011 से ऑलमोस्ट हो चुकी थी एंड उससे पहले भी हो चुकी थी। एंड बाय द वे कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब मैं मुझे याद है आफ्टर फिनिशिंग माय कॉलेज ओके हम सब एक एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसे ही गए थे रैंडमली, मतलब ऐसे ही नॉट फॉर इंटेंशन, वो एक रोड साइड पे बैठते है ना वैसे ही कोई थे। एंड ही टोल्ड मी कि तुम्हारा हाथ है ना बहुत आर्टिस्टिक है। देन मेरे माइंड ने शुरू किया कि सोचना कि मेरा माइंड आर्टिस्टिक है, मेरे हाथ आर्टिस्टिक है ओके, मेरे हाथों में आर्ट है, मुझे पता नहीं था ओके। एंड मैंने कभी अपनी जिंदगी में कोई पेंटिंग या ड्राइंग या ऐसा कुछ किया नहीं। स्कूल में मैं बस पास हो जाती थी, बस जस्ट पासिंग मार्क्स आते थे मेरे और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देन मैंने फैशन डिजाइनिंग ज्वाइन कर लिया जस्ट टू कि शायद यही एक आर्ट का फील्ड होता होगा, पर वहां पर भी मुझे मेरी स्ट्रगल रही वहां पर भी क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। लेकिन जैसे तैसे मैंने वो सब भी क्रॉस कर लिया, पास आउट कर लिया, देन हम लोग शिफ्ट हो गए। पहले हम लोग जिस एरिया में रहते थे वहां से हम लोग शिफ्ट हो गए और वहीं से वो तो सिर्फ एक घर का शिफ्ट था बट मेरी एरिया मेरी लाइफ में वो रियल शिफ्ट लेके आया एक्चुअली थिंकिंग अबाउट पेंटिंग्स कि चलो फैशन डिजाइनिंग में कुछ नहीं हो रहा है तो चलो कुछ करते हैं, पेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक गणेश जी की ऐसे ही पेंटिंग बनाई थी ओके, फिर वो पेंटिंग जैसी भी बनी वाटर कलर से ही बनाई थी, पोस्टर कलर यूज किए थे एक्चुअली। तो उससे मुझे लगा कि हाँ कुछ और कर सकते हैं। फिर मैंने धीरे 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 और आर्टवर्क्स बनाना स्टार्ट किया। मुझे पता नहीं था कि फिगरेटिव ड्रॉइंग्स जो होती है वो कैसी होती है क्या नहीं होती है। देन फिर मैंने एक आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था एंड वहां पे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई। एंड वहां पे जिन लोगों से मैंने फ्रेंडशिप की थी उन्हीं में से एक बंदे ने मुझे मेरे सर के बारे में बताया जो मेरे आज के डेट में मेरे आर्ट के गुरु है मैं कह सकती हूँ। उनकी वजह से ही ये जो पेंटिंग जो आप देखते हो ना, मतलब इतने कलर्स टेक्सचर्स वो वहीं से आए। देन मैंने वो सब कोर्सेस वगैरह उनके अंडर में सर के अंडर में लिए एंड वहां से मुझे बेसिक्स आ गया था, मेरा फाउंडेशन ठीक ठाक हो गया था मुझे लगा था। इन 2016 मैंने डॉक्टर न्यूटन की एक बेसिक जो वर्कशॉप होती है PLR वर्कशॉप 2 दिन की थी वो किया था। बाद से जो मेरा जो रियल पेंटिंग का जर्नी होता है मैं कहूंगी कि वो वहां से स्टार्ट हुई एक्चुअली। तो एक्चुअल में डॉक्टर न्यूटन वो मेरे लिए वो ब्लेसिंग्स लेके आए हैं। उसके बाद मेरे लाइफ में इतने सारे रास्ते खुले ना, अपनी पेंटिंग्स के कलर से लेके अपनी पेंटिंग्स को एक्सप्लोर करने से लेकर, मतलब सब उसके बाद से ही मेरा स्टार्टिंग स्टार्ट हुआ है। देन 2017 में मुझे मेरा जो स्टाइल होता है ना वो धीरे धीरे मिलने लग गया था। जैसे कि ये जो स्टाइल आप देख रहे हो ये पेंटिंग में, जो ये बैकग्राउंड का ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पे, ये सब मैंने 2017 में मुझे ये बैकग्राउंड मिला। पहले सबसे पहले मुझे अपनी स्टाइल में भी सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड ही मिला एंड बाय द एंड ऑफ 2017 मुझे पता नहीं था कि मंडला क्या होती है क्या नहीं होती है। बस मैंने किसी का एक देखा था कि फेसबुक पे देखा था कि एक आर्टिस्ट ने एक पेपर पे ऐसे ही कुछ ड्रॉ करके रखा है मंडला जैसा। Then 2017 के एंड में मैंने सोचा कि शायद मुझे मंडला में कुछ बनाना चाहिए। तो वहां से मेरा मंडला बनाना स्टार्ट हुआ एंड सब लोग पेपर पे मंडला बनाते हैं और मैं एक ऐसी हूँ कि जिसे सीधा डायरेक्टली कैनवस पे बनाना स्टार्ट किया मंडला। देन वहां से मेरा 2018, 19, 20 में मैं मंडला बनाती गई एंड साथ में मैं बुद्धा भी बनाती थी और मंडला भी बनाती थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी जो मंडला है या जो मेरी पेंटिंग्स है वो मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो 2016 से स्टार्ट हुआ है उसमें इतने सारे चेंजेस वहां से आएंगे ये नहीं पता था मुझे।
कहते हैं ना कि जब हमें कुछ नहीं पता होता ना तो हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जब हम बहुत कुछ जान लेते हैं ना तो हमेशा हम एक डिससैटिस्फेक्शन रहता है बहुत बार। कई बार नहीं जानना भी बहुत अच्छा होता है। तो मेरी जो जर्नी थी वो नहीं जानने वाली थी एक्चुअली, लेकिन फिर जो मिला सर के आने के बाद, मैं सौरभ से जुड़ी, फिर मैं धीरे धीरे और लोगों से जुड़ी, फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तुमसे जुड़ी 2020 में आई थिंक। देन ये सारी चीजें जो स्पिरिचुअलिटी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, वहीं से मेरी रियल जर्नी जो एक आर्ट वाली होती है वो शुरू हुई। आल्सो वांट यू टू टेल मी लाइक हाउ दिस आर्ट, डूइंग द आर्ट हैज लाइक आई वांट टू आस्क यू how this art has healed you, like in your healing journey, what role this art has played in my artistic journey। पहले क्या होता था कि मैं मेडिटेशन और करती थी ना, तब मेरा एक एम होता था कि मुझे ना अपनी थर्ड आई पे फोकस करना है, मुझे एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस करना है, मुझे ये एक्सपीरियंस करना है। बट अभी जो मैं कर रही हूँ ना, उसमें ऐसे लगता है कि आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस ऑल दिस। मुझे कोई एस्ट्रल ट्रैवल या फिर किसी भी कोई एक होता ना कि आई डोंट नो द वर्ड एग्जैक्ट, कि मुझे उस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं करना। Because I am very much satisfied with the kind of work I am doing, and really it's very peaceful. Like the first thing is in life is awareness. Okay, जब हमारे अंदर वो awareness आती है, then we find the solutions. And sometimes जैसे मैं paintings और करती हूँ ना, तो वो करते 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 वो अपने आप है ना, वो जो mind जो होता है ना, वो शांत होने लग जाता है। And from there वो healing अपनी start होती है। Like जो ये वाली जो पेंटिंग मैंने जब की थी ना, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस इतना पता था कि मंडला ही बनानी है, okay? लेकिन इसका जो प्रोसेस जब मैंने स्टार्ट किया ना, स्टार्ट करते 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 यू वोंट बिलीव कि इस पेंटिंग को फिनिश करने में मुझे 1 month लगे, बिकॉज इट्स अ मेडिटेटिव प्रोसेस। और जब मैं पेंटिंग को कर रही थी तो वो अपने आप मेडिटेशन में मुझे एक के बाद पता चलता जा रहा था कि नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। यू कैन से दैट कि पेंटिंग्स जब मैं करती हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई रिमेन इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड दैट्स वेयर द हीलिंग स्टार्ट्स। न तो आप पीछे का कुछ सोच रहे हो, न आगे का कुछ सोच रहे हो, यू आर इन दिस मोमेंट एंड एंजॉयिंग योर जर्नी। That time मैं अपनी sales का भी नहीं सोचती हूँ, and that time मैं हाँ ऐसा नहीं है कि और कोई thoughts नहीं आती है, but focus फिर से painting पे आ जाता है। Right. Mind obviously आपका mind interrupt करेगा। Right. So इस तरह से ये healing का process भी बन जाता है करते 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 करते। Wonderful. And Neetuji, tell me about how is now gender and sexuality is related to artwork. Like, what is your understanding about that? मैं एक एनर्जी हूँ, but एक फीमेल बॉडी में, but surprisingly मैं एक मेल बॉडी को पेंट करती हूँ। That you can see this. बुद्धा इज अ मेल, बुद्धा जो आए थे वो एक मेल की एनर्जी में आए थे, बट बीइंग अ फीमेल मैं बुद्धा पेंट करती हूँ। तो एक बार मुझे किसी ने पूछा था कि आपके जो बुद्धा की पेंटिंग के जो लिप्स है ना, ये जो बाकी बुद्धा की पेंटिंग्स में जो लिप्स होते हैं ना, उनकी तरह क्यों नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ, एंड डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं एक मेल जैसे लिप्स बनाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेल बॉडी में, इस मेल बॉडी में मेरी फीमेल एनर्जी है। ओके, एंड आई मेरा कभी भी इंटेंशन वो नहीं रहता है कि अगर बुद्धा है तो मैं इसके लिप्स जो है ना वो मेल जैसे बनाऊं। ओके, सो इन दिस वे मैं एनर्जी के साथ खेलती हूँ, आई प्ले विद द एनर्जी। ओके, आई एम पेंटिंग अ मेल, but still I am a female. And that is the real Buddha, right? Yeah. Real Buddha is the amalgam of male and female both, right? Real Buddha is Artha Nareshwar. Actually, kya hai ki Buddha ka meaning jo hota hai, Buddha ka meaning hota hai one who is awakened, jo jaag chuka hai apne life mein, who is in the awareness. We have not seen Gautam Buddha. Maine to nahi dekha hai.
आपने देखा होगा गौतम बुद्ध को, मैंने नहीं देखा, न कोई मेडिटेशन में एक्सपीरियंस किया है, न कुछ और किया है, पास्ट लाइफ में मिले होंगे तो भी पता नहीं, बट एक अवेयरनेस है, पता है कि गौतम बुद्ध ने ऐसे अपने लाइफ में एनलाइटनमेंट मिला था उन्हें. बट इन दिस लाइफ व्हेन आई एम पेंटिंग बुद्ध, इट मींस आई एम अवेकनिंग सम पार्ट ऑफ मी, सम पार्ट ऑफ मी. तो पेंटिंग जो होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो एसेंस जो रहता है, चाहे आप फेमिनिन बोलो चाहे मैस्कुलिन बोलो, वो रहेगा ही रहेगा. द बेस्ट पार्ट इज यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एनर्जी, यू हैव टू लव दैट एनर्जी. इन दिस लाइफ आई हैव चोजन दिस फेमिनिन पार्ट ऑफ मी टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर, दैट्स इट. मे बी इन द नेक्स्ट बर्थ मे बी आई चूज मेल, बट इट डजंट मीन दैट आई डोंट रिस्पेक्ट मेल इन माई लाइफ. I just respect females in my life. It's not like that. I try to equally respect both the genders. So beautiful. And Neetuji, tell us about what happened when you started working on self-intimacy. Like, how did it affect your artwork? How did it affect you? We want to know. Self-intimacy ka na ek bahut hi bada wrong myth hai ki ye sirf aur sirf male and female ke beech mein hi ho sakta hai. Aapki life mein agar koi physically male hai ya fir aapka koi loving relationship hai to aap wahi pe isko explore kar sakte ho. Ye ek bahut bada myth hai. To self-intimacy sabse pehle hame apne andar jo hai na usko explore karna hota hai. Then hum obviously it's good agar aapko koi female koi aapko male milta hai ya fir koi bhi aap relationship aisa milta hai to definitely go for it. But jahan tak self intimacy ki baat hai, it's all about loving yourself, loving your body, loving your every part, loving every cell of your body. To apne aap ko waise hi accept karna jaise ki aap ho. I mean to hum log kya hota hai ki hum log bahut sare criticism, जजमेंट्स इन सब में जाते हैं. इवन इन द रिलेशनशिप एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो जज करते ही है, कहीं ना कहीं तो वो निकल के आता ही है. बट फिर बाद में जाके हम जब अपने अंदर की यात्रा करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि यस ठीक है, इट्स ओके. अगर कुछ मैं ऐसी हूं तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके. आई एम ओके विथ माई बॉडी, आई एम ओके विथ माई सेल्फ, I'm okay with my soul. I'm okay. मैं जो हूँ उसमें अच्छी हूँ. That is the self-intimacy. Nobody is perfect. अगर perfect होते तो शायद जन्म लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती. Right. And how did self-intimacy practices had affected your artwork, or how it has enhanced your artwork? Like self-intimacy के जो पहलू होते हैं ना, loving yourself, accepting yourself. तो मैं जब भी अपनी पेंटिंग बनाती हूँ ना, तो उसमें एक राइटअप लिखती हूँ और वैसा उस पेंटिंग में दिखाने की कोशिश करती हूँ. नॉट इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, यू नो समटाइम्स फिगर्स भी होते हैं बट कभी कभी फिगर्स नहीं भी होते हैं. लाइक इन दिस पेंटिंग मैंने जो सेल्फ इंटीमेसी को दिखाने की जो कोशिश की है वो है ये चाइनीज जो सिंबल है यिन यांग का, इसके थ्रू मैंने की है. एंड इफ यू सी द कलर्स, तो ये सारे वही वाले कलर्स हैं, पिंक के जो शेड्स है, रेड है इसमें, तो ऑरेंज भी मैंने ऐड किया है. तो मैं अपने कलर्स के थ्रू और कुछ सिंबल्स के थ्रू इस इंटिमेसी के जो पार्ट होते हैं ना, उसको दिखाने की कोशिश की है. लाइक इन द बैकग्राउंड द कलर्स ऑफ द हार्ट चक्रा ग्रीन है यहाँ पे. तो इस तरह से भी हम जो मैसेज हम अपनी सोसाइटी को, वर्ल्ड इन जनरल जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और जिनको समझना होता है ना वो समझ जाते हैं. आई फील लाइक दैट इट्स लाइक आपने एक बार पेंटिंग देखी एंड यू गेट दैट एनर्जी, आपको सोचने की जरूरत नहीं. सोचने की जो शक्ति होती है ना वो पेंटिंग करते 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 आती है. आपको बस एक बार डिसाइड करना होता है कि ये कैनवस है और मुझे इसमें कुछ पेंट करना है. क्या पेंट करना है वो आपको बाद में धीरे 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 आता जाता है. इट्स अ प्रोसेस. And I have one more question, Neetuji. Why did many artists paint nude figures? It's not about perfection. Painting is an imperfect part of yours. Okay. तो इसीलिए जो लोग nude paint करते हैं ना, उनका intention बहुत अच्छा होता है.
ओके, दे जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर देयर ओन ब्यूटी, चाहे वो मेल बनाए चाहे वो फीमेल बनाए, ये उनकी खुद का एक पार्ट होता है. बाकी सब तो देखने वालों का नजरिया होता है कि वो न्यूड पेंटिंग्स को किस तरह से देखते हैं. एंड मेरा जो ये पॉइंट है ना न्यूडिटी के ऊपर, कि काफी हद तक मैं बोलूंगी 99% जो मेरा न्यूडिटी के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज जो क्लियर हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ योर वर्कशॉप्स. सीरियसली, जब एक मुझे याद है जब कुछ एक एग्जांपल दिया था खजुराहो का, जो वहां पे जो न्यूड पिक्चर्स होते थे, तो जो मॉन्क्स वगैरह आते थे, दे यूज्ड टू मेडिटेट ऑन दैट पिक्चर्स, जब तक उनके माइंड से वो पिक्चर्स क्लियर नहीं हो जाए. टू इंटरप्ट, यू आर सेइंग दैट न्यूड पिक्चर्स आर एक्चुअली अबाउट सेल्फ इंटीमेसी. यस, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ इंटीमेसी. यू नो जब हम पैदा होते हैं ना, तो हम न्यूड ही पैदा होते हैं. तो कितना, इट्स अ वंडरफुल, यू नो जब आप एडम एंड ईव का सुनोगे या फिर किसी का, सब ऐसे सुनते तो है ही, बचपन से तो सुनते आ ही रहे ना कि वो लोग आदि मानव लोग जो थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, ये नहीं पहनते थे, वो नहीं पहनते थे. सोचो उनके अंदर है ना सच्चाई कितनी थी. आप किसी को एक सच्चाई की दृष्टि से या फिर एक पूजा की दृष्टि से देखोगे ना, तो आपको न्यूड पिक्चर्स भी है ना, तो उसमें भी आपको देवी ही नजर आएगी. बट सामने वाला का नजरिया कैसा है ये तो बता नहीं सकते, ये नहीं बता सकते. So for you, nude pictures are the expression of the artist's own masculine and feminine, the beauty of it. Artist is himself portraying his feminine part. वो उसी का part है. I'm not saying about those artists जो सिर्फ nude pictures इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लोग इससे ज़्यादा attract होंगे. I'm not talking about those artists. I'm talking about जहाँ पे कोई कोई भी आप figure देखते हो उसमें कोई perfection नहीं है. But who knew that? Anything else you want to share, Neetu ji, before we end this, anything else that you want to share about this entire discussion about, you know, especially I feel this is a discussion about we coming back to our own selves, like jisko hum antar yatra bolte hain, like, you know, artwork is, koi bhi hum artwork dekhte hain, if it's a very beautiful meditative artwork, it takes us more inside us, right? And sometimes we also see those artworks that disturbs us, right? Some artworks are really disturbing, but your paintings, you are coming from a meditative perspective. So it's about that internal journey. Art is about the internal journey. One more thing, मैं add करना चाहती हूँ. जैसे अभी आपने कहा कि कुछ artworks होते हैं जो आपको disturb करते हैं. वो जो आर्टवर्क है ना वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आप अंदर से खुद डिस्टर्ब्ड हो, इसीलिए आप उन आर्टवर्क्स को देखकर आप डिस्टर्ब हो रहे हो. जिसने उस पेंटिंग को बनाया है उसने तो अपना जो डिस्टर्ब्ड माइंड है वो उस कैनवस पे लेके आया है जस्ट टू हील हिमसेल्फ और हरसेल्फ. बट वी आर डिस्टर्ब फ्रॉम इनसाइड, इसीलिए हम कोई पेंटिंग को देखते हैं ना तो हम उनको उसको जज करते हैं. लाइक आज के डेट में विद इन 5 years मैंने इतनी प्रोग्रेस तो कर ली है जहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम प्लीज आप बताइए कि हमारी पेंटिंग्स कैसी है. एंड मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी पेंटिंग कैसी है एक्सेप्ट यू योरसेल्फ. आई कैन नॉट जज, this is your part. Wow. I can only feel कि ये मुझे इस पेंटिंग को देखकर सुकून मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बस इतना ही बता सकती हूँ. बाकी तो सुकून बनाने वाले को सबसे पहले मिलना चाहिए. Wonderful. तो इसीलिए I never judge anyone's painting. That is such a beautiful message, Neetu, to learn from you, you know, from an art, because you are an expert with art. And it's amazing to speak to you about what is the art's perspective in inner work. And I really thank you for your valuable time and giving us so much of beautiful insights about, you know, art and spirituality. Thank you.